इसके अंदर सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन देंगे, इंट्रोडक्शन के बाद हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताएंगे जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल का, उसके बाद बताएंगे रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलीनोमियल, जीरोस का और कोफिशिएंट ऑफ पॉलीनोमियल का आपस में क्या रिलेशन है वो बताएंगे, अब कोफिशिएंट्स क्या है जब ये टॉपिक कवर कराएंगे तब बताएंगे हम आपको, और लास्ट में डिविजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलीनोमियल्स। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पॉलीनोमियल से मतलब क्या है। तो देखो मियल, मियल जो वर्ड है मियल का मतलब होता है डन, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं मोनोमियल की, मोनोमियल, मोनो का मतलब होता है वन, तो यानी कि ऐसा कोई पॉलीनोमियल जिसकी केवल वन टर्म हो, वन टर्म। तो उसके कुछ एग्जांपल दे देते हैं, केवल एक टर्म है, तो एक टर्म मतलब जैसे कि आप वन भी कह सकते हो, एक्स स्क्वायर भी कह सकते हो, एक्स की पावर सेवन कह सकते हो, थ्री एक्स क्यूब भी कह सकते हो, ये सभी एक एक टर्म है। तो ये सब आपको जो देखने में दिखाई दे रहे हैं ये सब आपके मोनोमियल है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम बाइनोमियल की, बाई का मतलब होता है दो, तो यानी कि ऐसा कोई पॉलीनोमियल जिसमें दो टर्म्स हो, तो बाइनोमियल, बाइनोमियल जिसमें कि टू टर्म्स होंगी। तो टू टर्म्स के लिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे दो टर्म दिखनी चाहिए। अब टर्म्स कैसे सेपरेट होती है, प्लस या माइनस से होती है, ध्यान रहे मल्टीप्लाई से नहीं होती है। ये आप ये सोचो ये थ्री मल्टीप्लाइड बाई एक्स क्यूब है तो ये दो टर्म होंगी, नहीं, मल्टीप्लाइड से कभी भी टर्म्स डिस्टिंग्विश नहीं होती। टर्म्स जो बदलती है, टर्म्स की जो काउंटिंग बनती है वो प्लस या माइनस अगर बीच में है तो टर्म्स बढ़ती है, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं दो टर्म की, तो दो टर्म के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहां पर आप देख सकते हो पहली टर्म है एक्स स्क्वायर, दूसरी टर्म है वन, ठीक है। अच्छा अब ये मत सोच लेना कि भाई ये क्या नाम है टू प्लस थ्री ये दो टर्म हो जाएगी, नहीं, बिकॉज क्योंकि सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है, यहां पर लाइक टर्म्स हैं, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, दे कैन बी एडेड, तो ये आपका असल में पॉलीनोमियल में से मोनोमियल है, समझे, क्योंकि सिंप्लीफाई हो सकता है, लाइक टर्म्स को ऐड कर सकते हो, तो स्पेशली मतलब अनलाइक टर्म्स भी होनी चाहिए, वे लाइक टर्म्स नहीं होनी चाहिए। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, तो देखो ये लाइक तो है नहीं, अनलाइक है ना, ऐड नहीं हो सकती, और दो टर्म्स है तो इसीलिए ये बाइनोमियल है। इसी तरह से कोई एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फर्ज करते हैं इसमें जैसे कि 9x की पावर 11 प्लस x की पावर 3। अच्छा पावर्स पे अभी आप ध्यान ना दें, पावर से कोई मतलब नहीं है अभी यहां पर, केवल टर्म से मतलब है, आप टर्म्स की गिनती करें, देखो ये एक टर्म और ये दो टर्म, तो इसीलिए ये बाइनोमियल है, समझ में आया बात के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ट्राइनोमियल की, ट्राई जैसा कि नाम बता रहा है, ट्राई मतलब थ्री, तो ट्राइनोमियल मतलब कि ये आपका तीन टर्म वाला पॉलीनोमियल है, थ्री टर्म्स, इसमें तीन टर्म्स है, ठीक है। तो तीन टर्म्स के लिए जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं यहां पर 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 1, तो यहां देख सकते हैं कि यहां पर तीन टर्म्स हैं, गिनती करते हैं एक दो और तीन, तो यहां तीन टर्म्स हैं और तीनों के तीनों अनलाइक है, ये लाइक नहीं है क्योंकि फर्दर सिंप्लीफिकेशन हो नहीं सकता, इसलिए ये थ्री टर्म्स है ट्राइनोमियल। ऐसे करके आप आगे चले तो टेट्रानोमियल, पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल, ऐसे करके आप टर्म्स वाइज बता सकते हैं। यूजुअली जितने भी ये पॉलीनोमियल होते हैं टर्म्स के हिसाब से इनको हम पॉलीनोमियल से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे जिसकी मल्टीपल टर्म्स हो उनको पॉलीनोमियल कहते हैं, तो ये आपका पॉलीनोमियल का मतलब हुआ, पॉलीनोमियल, पॉली का मतलब मल्टी, ठीक है, बहुत सारी टर्म्स हो सकती है, ठीक है। तो ये तो हमने पॉलीनोमियल को डिफाइन किया टर्म्स के हिसाब से,
अब पॉलिनोमियल को डिफाइन किया जा सकता है डिग्रीज के हिसाब से भी, तो हम डिग्रीज के हिसाब से बताएंगे। डिग्री के हिसाब से बताते हैं तो डिग्री के लिए सबसे पहले हमारे पास जो आपके सिलेबस में है डिग्री, यहां डिग्री लिख देते हैं और यहां पर उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी ये बताएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म। यहां पर कुछ एग्जांपल दे देंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद डिग्री जीरो। अगर डिग्री जीरो है तो पॉलिनोमियल देखने में कैसा होगा? तो देखिए इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बताते हैं। तो पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं पी एक्स से, पी स्टैंड्स फॉर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये होगा ए, दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म एंड ए इज ए आर्बिट्री कॉन्स्टेंट, इट कैन टेक एनी वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपके सामने एक पॉलिनोमियल लिख दिया हमने टू, एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है। इसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट, इसका नाम भी है और नाम है कांस्टेंट, इसका नाम भी दे दिया। अगर डिग्री जीरो है और हम बता रहे हैं डिग्री के हिसाब से, इससे पहले बताया था हमने टर्म्स के हिसाब से, अब डिग्री देखेंगे, ठीक है। यहां पर डिग्री जीरो है, कैसे जीरो है, क्योंकि यहां पर आपको वेरिएबल दिख नहीं रहा। अगर वेरिएबल दिख नहीं रहा है तो इसका मतलब वेरिएबल की पावर जीरो रही होगी। देखो ऐसे रहा होगा, एक्स की पावर जीरो रही होगी, अब एक्स की पावर जीरो क्या होता है, वन होता है, तो ये हमारा ए तो बन जाएगा, समझे। अब बात करते हैं अगर डिग्री है वन, तो अगर डिग्री वन होती है तो पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म बता रहा हूं मैं, वो देखने में कैसा लगता है, वो होता है एक्स प्लस बी। And remember that a should not equals to zero, क्योंकि अगर मैंने इसको जीरो कर दिया तो वो तो कॉन्स्टेंट बन जाएगा ना, समझ गए, फिर तो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो इसको बोलते हैं लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल, ये इसका नाम हो गया लीनियर डिग्री के हिसाब से। यहां पर आप देख सकते हैं डिग्री वन है, डिग्री कहां से पता लग रही है, यहां से पता लग रही है, यहां पर वन डिग्री है ना, वन डिग्री को दिखाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, दो एग्जांपल ले लेते हैं। तो पहला पॉलिनोमियल तो मैंने लिख दिया 7x माइनस 9, यहां पर आप अगर आप कंपेयर करें तो a की वैल्यू 7 दिखाई दे रही है और b की वैल्यू माइनस 9 दिखाई दे रही है। इसके अलावा आप ऐसे भी ले सकते हैं, फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं, 1/2 + 3, यहां पर a की वैल्यू 1/2 है और b की वैल्यू 3 है। बट रिमेंबर दैट a is not equals to zero in both of the cases, दोनों में a zero नहीं है, zero नहीं होना चाहिए, ठीक है, zero b zero हो सकता है, तो b zero हो सकता है, तो b अगर zero हो सकता है तो एक example और ले लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं 3x, जी हाँ ये linear ही है पर ये साथ साथ monomial भी है, monomial और linear, समझ में आई बात, ये मोनोमियल और लीनियर का एग्जांपल है, ये आपका बाइनोमियल और लीनियर का एग्जांपल है, ठीक है, बाइनोमियल एज पर टर्म्स और लीनियर एज पर डिग्री, समझ में आई बात। अब बात करते हैं अगर डिग्री है 2 और 3 की बात करेंगे, आपके सिलेबस में अब तक 3 तक ही है, तो बात करते हैं 2 की। अब 2 की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म ज्यादा से ज्यादा आप ये सोचिए वो कितनी टर्म्स रख सकता है, अगर 2 डिग्री है तो ज्यादा से ज्यादा वो 3 टर्म्स रख पाएगा, और वो 3 टर्म्स अगर है तो वो होगी, पहली टर्म होगी ax स्क्वायर, फिर होगी bx और फिर होगी c, एंड अगेन a शुड नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि अगर a को 0 कर दिया तो फिर डिग्री 2 वाला तो एलिमिनेट हो जाएगी टर्म और आपके पास 1 डिग्री वाली रह जाएगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर तो वो लीनियर बन जाएगा ना, तो a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0 और इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये बहुत काम आएगा आगे के चैप्टर्स में भी, आप देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सबसे ज्यादा यूज है, समझ आई बात की नहीं। तो इसके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, तो सबसे पहले तो मैं एग्जांपल टर्म वाइज भी दे देता हूं साथ साथ, जैसे कि 3x² एक टर्म है
पर ध्यान दें डिग्री अभी भी दो है, तो ये मोनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है। मोनोमियल तो एक ही टर्म है पर डिग्री तो दो ही है ना। आप वेरिएबल की डिग्री देखिए दो है यहां पर। इसके बाद एक और ले लेते हैं, जैसे कि ले लेता हूं मैं 9x² + 1। अब इसमें आप देख सकते हैं दो टर्म है पर डिग्री अभी भी दो ही है। डिग्री के हिसाब से ये क्वाड्रेटिक है और टर्म्स के हिसाब से ये बाइनोमियल है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आपके सामने ले लिया मैंने 2x² - x + 3, यहां तीन टर्म हो गए ठीक है और डिग्री दो है। तो ट्राइनोमियल ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, यानी कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ज्यादा से ज्यादा तीन टर्म्स रख सकता है और कम से कम एक तो रखेंगे, सही बात है कि नहीं। बात करते हैं डिग्री अगर थ्री है, तो डिग्री अगर थ्री है तो उसको क्यूबिक बोलते हैं, क्यूबिक पॉलीनोमियल, क्यूबिक पॉलीनोमियल। क्यूब तो आप समझ में ही रहा है, क्लियर हो रहा है काफी हद तक कि क्यूब मतलब थ्री, क्यूबिक पॉलीनोमियल। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखता हूं मैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी हमारी ax³ + bx + bx, यहां स्क्वायर आएगा यहां पर cx और प्लस b, एंड a अगेन नॉट इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि अगर a जीरो हो गया तो फिर ये क्यूबिक नहीं रहेगा। समझ में बात की नहीं? तो ज्यादा से ज्यादा ये चार टर्म रखेगा, टेट्रानोमियल हो सकता है ये, टेट्रानोमियल ठीक है। तो इस केस में हम कुछ एग्जांपल दे देते हैं, तो जैसे कि कोई एग्जांपल देते हैं, हम चार टर्म पहले देते हैं, तो चार टर्म का एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि 9x³ - 3x² + 5x + 7, ये एक एग्जांपल हो गया। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं, अगर डिग्री जीरो है तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट, वन है तो बोलते हैं लीनियर, टू है तो क्वाड्रेटिक, थ्री है तो क्यूबिक। और डिग्रीज आप कहां का इंडिकेट हो रही है, देखो यहां डिग्री हो रही है जीरो, यहां डिग्री वन है मैंने लिखी नहीं है, तो यहां से पता लग रहा है कि ये वन डिग्री वाला है, ये टू डिग्री वाला है और ये थ्री डिग्री वाला है। बात समझ में आई?